दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेकिंग और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। हालांकि इस बात के ऊपर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। गौतम गंभीर यहां पर दोस्तों इंडिया के साथ बने रहेंगे, KKR के साथ बने रहेंगे, एक टीम को छोड़ रहे हैं, दोनों टीम का साथ है। खैर दोस्तों, जो भी अपडेट्स आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे ही, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं दोस्तों टॉप अपडेट्स की तरफ टीम KKR के लिए। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है दोस्तों यहां पर T20 वर्ल्ड कप को लेकर। तो इंडिया यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं करिश्मे की तरह यहां पर पाकिस्तान से जीत गई। अब इसका यह मतलब नहीं है कि टीम इंडिया ने अच्छा खेला दोस्तों, इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा खेला। बट वहीं दोस्तों अगर हम टीम इंडिया की थोड़ी मिस्टेक्स को साइडलाइन कर दें, तो यहां पर कोई भी CSK का प्लेयर पंजाब बात करें ना, पाकिस्तान के खिलाफ चल नहीं रहा है। चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे यहां पर शिवम दुबे हो, रविंद्र जडेजा के पास तो एटलीस्ट दो मौके होते हैं हर मुकाबले में, या तो बैट के साथ या फिर बॉल के साथ। बट शिवम दुबे ना तो यहां पर पहले मुकाबले में, ना तो यहां पर दूसरे मुकाबले में चले। और बात करें तो उनका कुछ यही हाल प्रैक्टिस मैच में भी था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहां पर रविंद्र जडेजा तो अपना इंपॉर्टेंस बता देंगे आगे आने वाले मुकाबलों में, एटलीस्ट उनके पास फील्डिंग भी है। बट क्या आपको लगता है शिवम दुबे को यहां पर कैंसल आउट करके, अब रिंकू सिंह तो दोस्तों जब तक कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे, वो क्योंकि यहां पर रिजर्व प्लेयर के अंदर है, कंकशन प्लेयर के अंदर है। बट अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन को एटलीस्ट मौका देना चाहिए, या फिर यहां पर यशस्वी जायसवाल से ओपन कराकर नंबर 3 के ऊपर विराट कोहली को आ जाना चाहिए, शिवम दुबे को बाहर निकाल देना चाहिए। एन अगली अपडेट निकल कर आ रही है TKR को लेकर। TKR की बात करें तो स्क्वाड बहुत मजबूत इन्होंने कर लिया है। CPL अब दोस्तों आपको जैसे ही ये T20 वर्ल्ड कप एंड होता हुआ देखने को मिलेगा, वुमेन्स वाला CPL चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद मेन्स वाला CPL चालू हो जाएगा। बट यहां पर TKR की स्क्वाड के अंदर दोस्तों और दो धमाकेदार प्लेयर आ गए हैं, एक है जेसन रॉय और एक है टिम डेविड, दोनों को साइन कर लिया गया है। तो यहां पर दोस्तों कमाल की बात यह है कि इनका जो स्क्वाड है ना, वो देखने में इतना धुआंधार है कि सामने वाली टीम तो यार घर जाके आराम से रो के बैठ के हार मान सकती है। वहीं जेसन रॉय चौथे खिलाड़ी बन चुके हैं टीम नाइट राइडर्स के, जो कि सभी फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले हैं। अभी CPL में वो खेलेंगे, इससे पहले दोस्तों सभी टीमों में हो गए हैं, चौथे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले जो 3 खिलाड़ी वो हैं आंद्रेसल, सुनील नारायण और अली खान। लेट्स सी दोस्तों फ्यूचर में हमें 5वां 6ठा ऐसा कौन सा खिलाड़ी और खेलता हुआ देखने को मिल सकता है। ये है टीम के क्या की दिन भर की टॉप अपडेट्स। आप कॉमेंट करके जरूर बताओ आपको क्या लगता है टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप के अंदर कहाँ तक पहुँच पाएगी, सेमीफाइनल, फाइनल, क्या फाइनल जीत पाएगी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना।